जो ये कैंप है उसके बारे में ब्रीफ कीजिए। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की तरफ से हमने ये कैंप लगाया है। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी स्पेशलिटीज़ के साथ हम अपनी पूरी टीम को लेकर आए हैं और यहाँ पर हमने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के पेशेंट्स देखे और उनको फ्री में दवाइयाँ वितरित की और उनकी जितनी भी जाँचें हैं जो हम फ्री में कर सकते थे वो हमने की। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमने यहाँ पर देखे और विश्व युवा दिवस पर ये कैंप लगाकर हमें बहुत अच्छी एक फीलिंग हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तकरीबन 200 से 300 मरीज़ यहाँ पर सुबह से अभी तक आ चुके हैं। लगभग 10 बजे से हमने कैंप की शुरुआत की थी और बच्चे बूढ़े सभी एज ग्रुप के हमारे पास यहाँ पर पेशेंट आए हैं। आज दुबलदन गांव में जो आप लोगों ने कैंप लगाया उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। आज हमने दुबलदन गांव में कैंप लगाया वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज साइंस की तरफ से। हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का सपना था कि हेल्थ जो है रिमोट एरिया में एक एंड यूजर तक पहुंचे। तो जो कोविड का जो टाइम चल रहा है, कोविड के टाइम में पेशेंट को ट्रैवल करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जब पब्लिक सर्विसेज कम हैं, तो इसलिए हमारा ध्येय है कि हम ऐसे कैंप और भी लगाते रहेंगे गांव में पहुंच के अपने पूरे स्पेशलिस्ट को लेके, मेडिसिन ले जाके, टेस्ट ले जाके, ताकि आम आदमी को बिना तकलीफ किए कोविड के टाइम में बिना क्राउडिंग किए हुए सर्विसेज मिल सके। क्राइटेरिया कैसे आप तय करते हैं कि किस गांव में हमें जाना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट है या कुछ तरह की कुछ? देखिए, ऐसा अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हम देखते हैं किस गांव को जरूरत ज़्यादा है। जहाँ से कम्युनिकेशन कम हो पा रहा है, ट्रैवलिंग रिसोर्सेज कम हैं, तो हम अपने यहाँ से व्हीकल लेते हैं, सारी टीम को बिठाते हैं, साथ में टेस्ट की फैसिलिटी लेके जाते हैं, मेडिसिन लेके जाते हैं, तो गांव तक पहुँचाते हैं। हमारे चेयरमैन साहब का ध्येय है कि हरियाणा के एक एक गाँव में एक एक आदमी को हेल्थ सर्विसेज मिल सके। सभी हमारे गांव में उनका धन्यवाद करता हूँ, किसी का चेयरमैन साहब नरेंद्र जी का, जिन्होंने हमारे गांव में ऐसी महामारी के समय लोगों को कोरोना के लिए अवेयर किया और सभी डॉक्टरों ने बड़ी अच्छी तरह हमारे आदमियों को गाँव के वासियों को चेकअप किया। लोग बड़े खुश हैं और लोग बड़ा ये कह रहे हैं कि हम चेयरमैन साहब का, वर्ल्ड कॉलेज का धन्यवाद करते हैं। ऐसे ऐसे कैंप हमारे गांव में लगते रहें, हम उनका बड़ा धन्यवाद गांव की तरफ से। बेसिक क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को? लोगों को जैसे जो टेस्ट की प्रॉब्लम, कोरोना अवेयरनेस का दिशा में इसको लेक्चर दिया उन्होंने कि बच्चों को साफ सफाई के बारे में, आँखों के लिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हार्ट की जैसा सर्दियों में बीपी शुगर की जो एज पर्सन को हो जाती है उनके लिए दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट की, उनका चेकअप भी किया, बड़ा अच्छी तरह हर पेशेंट को बड़ा सेटिस्फाई करके उन्होंने। वर्ल्ड कॉलेज की बात की बिल्कुल उनके बारे में, हम ये कहते हैं उनका हम बहुत बहुत गाँव की तरफ से बड़ा धन्यवाद दें। वो हम उनसे यही चाहते हैं कि हमारे इलाके में ऐसी वो सेवा करते रहें और भगवान को ऐसी आज वर्ल्ड कॉलेज की तरफ से हमें कैंप किया जा रहा है, कितने पेशेंट आए हैं और डॉक्टर किस तरह की उनको सुविधाएं दें, मुझे बताएं। हाँ जी, हमारे पास हर तरीके का पेशेंट आया है यहाँ पे। जैसे अगर मैं बताऊँ तो मेडिसिन, जनरल मेडिसिन का सबसे ज़्यादा पेशेंट है, उसके बाद यहाँ पे साइकेट्री के पेशेंट हैं, ऑर्थो के भी पेशेंट हैं, सर्जरी के पेशेंट भी मिले हैं, ईएनटी के पेशेंट भी हैं और पीडिया कभी आए डॉक्टर साहब तो बच्चों के भी काफ़ी दिखते हैं। तो जनरलाइज सब तरीके का पेशेंट, हर तरीके का पेशेंट हर डिपार्टमेंट का मिला है। कितने डॉक्टर्स की टीम यहाँ पहुँची है? यहाँ पे हमारे पास 8 डॉक्टर्स की टीम है। और पेशेंट कितने हैं? पेशेंट हमारे पास 200 प्लस हैं अभी तक, जो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले ली थी वो 200 प्लस था। वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड महाराजा सूरजमल हॉस्पिटल, इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, इन्होंने जिस उद्देश्य से इस कॉलेज की और हॉस्पिटल की स्थापना की थी कि जो दूर दराज के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, उनको वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करवाई जाए, और इसी के माध्यम से हम लोग जो जज्जर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बार बार मेडिकल कैंप करते रहते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे एक मेडिकल कैंप का यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ था और इसमें लगभग 200 पेशेंट हुए हैं, अलग अलग तरह के पेशेंट, 8 से 10 डॉक्टरों की टीम यहाँ पे थी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड जिनके बन रहे थे वो भी लोग रजिस्टर किए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ डॉक्टरों ने, स्पेशलिस्ट ने पेशेंट को देखा ही नहीं है, उसके साथ साथ उनको फ्री मेडिसिन्स मिली है। इसके अलावा जो सिक्स सिग्मा हेल्थ ग्रुप के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज थे, उन्होंने इस कैंप में उपस्थिति अपनी दर्ज कराई और उन्होंने ही कैंप का शुभारम्भ किया। उसके साथ साथ हमारे कॉलेज के जो
मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट थे डॉक्टर एम एस कनिया सर जी, उन्होंने भी इसमें अपनी सकारात्मक सोच के चलते हुए पूरे कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है और इसी तरह के कैंप हम आगे भी करते रहेंगे ताकि जो गांव के लोग हैं उनको फायदा। मैं हरियाणा न्यूज़ का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से जो आके हमारा कवरेज दे रहे हैं ये लोगों के बीच जाए और लोग जो मेडिकल कॉलेज गिरावट झज्जर में बना हुआ है उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फ़ायदा उठाए और हम लोगों को ऐसे ही सेवा करने का मौका देते हैं।